स्टूडेंट्स को आप जो फीचर्स पढ़ागे कि फीचर्स की होंगे ने बिजनेस एनवायरमेंट में, ठीक है। फीचर्स पढ़ने तो पहले लिटल थोड़ा जो एग्जाम्पल्स देना चाहवा जो फीचर्स डिटेल्स तुम समझ लग जाएंगे कि बिजनेस एनवायरमेंट के चेंजेस कि आदि ने, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल्स ओवरली जो रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स दसागा। फर्स्टली जिम्मे आ जाती है कि जिम्मे आप मीनिंग पढ़िया ही कि सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशन अदर फोर्सिस। अदर फोर्सिस मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा गवर्नमेंट की, ठीक है। अगर साड़ी स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर गवर्नमेंट किसी भी चीज़ से अगर टैक्स इनक्रीज कर देती है, जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि रीसेंटली काफ़ी प्रोडक्ट्स के उत्ते GST जोड़ा वा इनक्रीज की गई है, जिसे मैं पॉपुलर प्रोडक्ट का नाम लगा वा फोन, ठीक है। तुम नैट के उत्ते कंपेयर भी कर सकते हो कि अज तो 4 महीने पहला जो फोन का प्राइस ही सेम मॉडल का, ठीक है, न्यू फोन का, वो 500 तो लैके 1000 तक, यानी कि 500 तो लैके 1000 तक वह रेट जो इनक्रीज हो चुका वा ड्यू टू अपडेट ऑफ GST नॉर्म्स एंड रेगुलेशन की। GST वधन के करके जो वा जिमें हम पेट्रोल से डीजल के रेट भी थोड़े महंगे हो रहे हैं, GST उत्ते भी जो वा वो इनक्रीज कर दिया गया, हालांकि पेट्रोल तो इंडिया के GST के लिए वैट ही लगता आ रहा वा, बट जो रॉ मटीरियल कच्चा तेल जितों लैके आते हैं वो उत्ते जो कुछ ड्यूटीज देनिया पैदा ने, एक्साइज ड्यूटीज वगैरह इनक्रीज किया गया है। सो जो भी गवर्नमेंट टैक्स इनक्रीज कर देंगे है तो वह जो कि वा कि एक बिजनेस उत्ते साफ साफ जो वा इंपैक्ट पैंता है, बिजनेस की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट तो वधनी वधनी जो रॉ मटीरियल महंगा मिले टैक्स वधन हो करके तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी इनक्रीज होगी। उस तो बाद जो सेल करनी है तो सेल से जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से फिर टैक्स देना पैंता है बिजनेस हाउस में, वो टैक्स भी इनक्रीज हो गया। सो यह मतलब है कि एक आउटर फोर्स यानी कि इंटरनल नहीं सी, एक बाहर की फोर्स थी जिन्हें बिजनेस के उत्ते जो अपना प्रभाव पाया, ठीक है। प्रभाव तो अगर दसा है कि इंपैक्ट नैगेटिव हो सकता वा पॉजिटिव ही, टैक्स वजन करके जो वो नैगेटिव इंपैक्ट पाया कि जरा वा प्रॉफिट घट हो गए, टैक्सिस जो वे पै रहे हैं एक बिजनेस ऑर्गनाइजेशन, यानी कि बिजनेस इनवायरमेंट एक बिजनेस इनवायरमेंट का हिस्सा वा, गवर्नमेंट जो वा टैक्स अपडेशन करती ही रही है। सो इसी जानकारी इसी की नॉलेज होनी चाहिए एक बिजनेस ओनर, ठीक है। सैकेंड आप कह सकते हैं जी टैक्नोलॉजी चेंजेस, टैक्नोलॉजी चेंजेस भी जीडिया ने वो बिजनेस एनवायरमेंट का ही पार्ट ने, ये भी अदर फोर्सिस ही ने, ठीक है। टैक्नोलॉजी चेंजेस के मैं एक TV की एग्जाम्पल ला दिना वा कि पहला जेडे वो ICT मोनीटर TV चलते जिन्होंने आप जो वे TV डब्बे वाले TV कह सकते, ठीक है। उस तो बाद जो आ गए LED TV, LED तो पहला आई है LCD, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, दैन फिर जरा जगह जी चेंज करती LED ने। हम LCD तो LED के फर्क की है कि जो आप LCD TV साइड तो देखते हैं, ठीक है, किसी भी साइड तो राइट साइड या लैफ्ट साइड तो वो जी पिक्चर क्वालिटी है इन्नी वधिया परफेक्ट नहीं आती, सेंटर से बैठे ही तो जी पिक्चर क्वालिटी वधिया आती है। इस चीज़ लिमिटेशन दूर के नहीं किया LED ने, जी कंपनी ने LED बनाई उस टाइम तो उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट हो गया क्योंकि उन्होंने रीसेंट टेक्नोलॉजी अपने प्रोडक्ट में जो मैच किया कि LED की एडवांटेज की हैगी कि उन्होंने किसी भी कॉर्नर तो देख लो, चाहे वह सेंट्रल से देख लो, राइट साइड तो देख लो, लैफ्ट साइड तो देख लो, वो स्क्रीन जी डायमेंशन है वो सेम ही रही है। सो एक एग्जाम्पल से कि एक बिजनेस इनवायरमेंट चेंजिस होने करके जो वा पूरे बिजनेस से इंपैक्ट पै जाता वा कि हम मार्केट के बिजनेसमैन सर्वाइव कर सकता या उ बिजनेस प्रोडक्ट सर्वाइव कर सकते हैं जेडे बिजनेस इनवायरमेंट के नाल नाल चलते हैं, जेडे ये नॉलेज रखते हैं कि वह जिस इनवायरमेंट में उनका बिजनेस इस्टैबलिश है उस इनवायरमेंट में की चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। सो आप फीचर स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सिस, ठीक है, ये पहला फीचर है। पहले फीचर का मतलब है कि बिजनेस इनवायरमेंट में जो वा टोटली कौन जो वा इंपैक्ट पाता है एक्सटर्नल फोर्सिस, ठीक है, ना कि इंटरनल फोर्सिस, क्योंकि इंटरनल फोर्सिस तो कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, बट एक्सटर्नल फोर्सिस जो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये अनकंट्रोलेबल होंगे ने। जिमें कि तुम मैं क्या वा गवर्नमेंट टैक्स इनक्रीज कर देती है तो कि आप गवर्नमेंट में जो डिसीजन लैन के लिए चेंज कर सकते हैं, जो माइंड सैट चेंज कर सकते हैं, कभी नहीं गवर्नमेंट ना कोई प्रैशर पा सकते हैं तो ना ही अं गवर्नमेंट में जोड़ा वा वो कोई उन्होंने ऑर्डर दे सकते कि वह टैक्स जो वा न्यू टैक्स अपडेशन रिमूव कर लें, नहीं।
इंटरनल फोर्सेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਪਲੋਈਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੌਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਊਟਰ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਫੀਚਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੀਚਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਠੀਕ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਨਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੋ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਫਰਮਸ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਕਸਟਮਰਸ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਤੇ ਸਪਲਾਇਰਸ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਪਲਾਇਰ ਰੋਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਗ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਸ ਪਰਚੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਾਈਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਟੇਸਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਡਾਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਵੇਗਾ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਟਲੀ ਰੋਜ਼ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਅਗਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਏ ਕਰਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਈਸ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਵਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਨੋਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਸਕੀ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਕਲ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੈਸਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ COVID-19 ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਇਹ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੇ ਜਨਰਲ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਜਨਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਵਾ ਕੁਛ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਆ ਬਿਟਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਡਸ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਦੂਸਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਲੀਗਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੂਰਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੀਗਲ ਲੀਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ
ठीक है, मान लो कोई कंपनी से केस कर देता है या कंपनी कोई लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर पाती अपने बिजनेस रिलेटेड, जेदे करके ना काम रुक जाता है। अगर कोई भी लीगल लाइबिलिटी होते तो राइज होती है, लीगल लाइबिलिटी किसी भी तरह की हो सकती है कि उन्हें अपने बिजनेस की रजिस्ट्रेशन या रिन्यू करवाई और लाइसेंस नहीं मिला, विदाउट लाइसेंस बिजनेस जो चल रहा है या लाइसेंस रिन्यू नहीं होया, ठीक है, ओल्ड लाइसेंस से बिजनेस चल रहा है, ठीक है, वो चीज़ा ने लीगल जब कोई केस हो गया कंपनी से जो कंपनी को जो अपना कोई प्रोडक्ट बंद करना पै रहा है, ठीक है, किसी प्रोडक्ट बैन लग गया है गवर्नमेंट वालों, सो यह सारी लीगल एक्टिविटीज़ हैं जो बिजनेस को इंपैक्ट पाती हैं, ठीक है। जैन टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल तो मैं एग्जाम्पल एलसीडी और एलईडी कि एक सक्सैसफुल बिजनेसमैन उही है जिहड़ा मार्केट में जिहड़ी टेक्नोलॉजी चलती पई है उस टेक्नोलॉजी के नाल जिहड़ा अपडेट रहे, ठीक है। अगर तो ओल्ड टेक्नोलॉजी के नाल ही अपने प्रोडक्ट और सर्विस जो प्रोड्यूस करेगा तो वो प्रोडक्ट लोंग टाइम से जोड़ा वा वो उन्होंने डिमांड जी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, वो बिजनेस जोड़ा वा फिर ग्रोथ रेट पर नहीं चलेगा, वो डिक्रीजिंग ट्रेंड के आ जाएगा, ठीक है, उन्होंने सेल जी डाउन जी वो जाना शुरू हो जाएगी। सो टेक्नोलॉजी फैक्टर्स भी जोड़े ध्यान रखने पैदे आ, ये भी जोड़े आ वो इंपैक्ट पाते हैं। दैन डायनामिक नेचर कहते कि बिजनेस इनवायरमेंट का फीचर यह है कि जी नेचर आ डायनामिक नेचर आ, डायनामिक नेचर की कहते हैं कि जी चेंज होती है, डायनामिक तो फ्लैक्सीबल भी कह सकते हैं सब्सटीट्यूट वर्ड कि डायनामिक का मीन है वो कि इमीजिएटली चेंज हो जाना, ठीक है। पर बिजनेस इनवायरमेंट कि इनवायरमेंट है, बिजनेस इनवायरमेंट कभी भी स्टेबल नहीं रहा, वो अप और डाउन जो आता रहा वा, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड्स जो आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है, जिमें कि चेंज इन फैशन एंड टेस्ट, ठीक है, कि कस्टमर का जरा वा फैशन चेंज हो गया वा तो जरा टेस्ट भी चेंज हो गया वा। टेस्ट जरूरी नहीं कि सिर्फ खाने वाली चीज़ों का ही टेस्ट का मतलब इतने कहा गया वा कि उसकी प्रेफरेंस ऑफ चॉइस, यानी कि वह प्रोडक्ट्स को कितना चॉइस करता वा, एक प्रोडक्ट परचेज करने तो पहला वो किड़े किड़े फीचरस जोड़ा देखना चाहता वा, किड़े किड़े फीचर जोड़ा वा वो डिस्कवर करता वा, वो चेंज होते रहते हैं कस्टमर के टाइम टू टाइम, ठीक है, कि बिजनेस की जी नेचर है और डायनामिक है, बिजनेस इनवायरमेंट की नेचर डायनामिक नेचर है, फ्लैक्सीबल है, हमेशा चाहिए इनवायरमेंट चेंज होता रहता है। दैन एंट्री ऑफ न्यू फर्म जिसके बारे में अगे भी गल कर चुके हैं कि जो भी एक नवी फर्म मार्केट के आ जाएगी, नवी फर्म मतलब कि फर्म वो फर्म जोड़ा साडे वाला बिजनेस करती पी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल असं जोड़ा वा सोप बना रहे हैं, साड़ी कंपनी सोप बना रही है, ठीक है, एक अनदर कंपनी मार्केट में होर आ जाती है, ठीक है, न्यू एंट्री होंगी है, पर जोड़ा भी बिजनेस नवा हों सब तो पहला बड़ी छेती अट्रैक्ट करता वा कस्टमर को अपने वाल, वो प्रोडक्ट के बहुत वाइया फीचरस लैके आता वा, ठीक है, वो सेल प्रमोशन बहुत होती है, एडवरटाइजमेंट ह्यूज लैवल पर की जाती है, और ईवन कि वो पे आउट करता वा डिस्ट्रीब्यूटर जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर या लोकल शॉपकीपरस होंगे कि वो उन्होंने कंपनी का प्रोडक्ट जरा वा सेल आउट करे, ठीक है। सो ये करके भी जरा वा बिजनेस एक इंपैक्ट जरा पैंता है, यानी कि फीचर्स वा कि बिजनेस इनवायरमेंट जरा वा वो फ्लैक्सीबल नहीं होता, वो डायनामिक नेचर का होंगे।